जन्नत नगर होता है। अभी हमारी गाड़ी में पेट्रोल थोड़ा कम लग रहा है, यूसुफ बाइक भी यहाँ पर पेट्रोल पंप पे थोड़ा पेट्रोल डाल देंगे इंशाल्लाह, फिर आगे सफर जारी रहेगा। बहुत ही किफायती स्टेशन है और हम गर्व से बोल सकते हैं कि हम यहाँ के रहवासी हैं। और हैप्पी मोमेंट होता है हम लोग के लिए, इतने सारे लोग यहाँ से ट्रैवल करते हैं और सारी रूट पे जाने वाली ट्रेन यहाँ पे कहना था। तो देखो इनकी कबाब टिकिया और खीरी वगैरह यहाँ पर सब अवेलेबल है और माशाल्लाह बहुत जायकेदार है। आप कब से खाते हो यहाँ? मैं बहुत सालों से खा रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, और जायका ज़बरदस्त होगा है ना माशाल्लाह। अच्छा अच्छा अच्छा, देखो भाई माशाल्लाह, अगर जिसको खाना है ये खरका रोड है ना, रजा टावर खरका रोड के सामने है। हमारे क्या नाम भाई आपका? नवाज कुरैशी भाई, माशाल्लाह। माशाल्लाह हमारे भाई यूसुफ भाई, हमारे साले साहब भी और हमारे खास दोस्त भी है, उनके साथ हम माशाल्लाह भी जा रहे हैं साके गांव से भुसावल की तरफ। इंशाल्लाह अगला उड़ा उनको बताते रहेंगे, भुसावल की सिर गलियाँ भी बताएंगे। असल में हमारे वहाँ एक मामू जान है, वो आ रहे हैं उनको लेने के लिए जा रहे हैं माशाल्लाह। देखो अभी आगे का नज़ारा दिखाते हैं थोड़ा। ये हाईवे जाता है नागपुर, नागपुर हाईवे है, नेशनल हाईवे, हाँ हाईवे नंबर 3 होगा है ना ये? यस। अच्छा अच्छा, नहीं हाईवे नंबर 6 है। हाँ हाईवे नंबर 6 है ये, तो ये नागपुर की ओर जाता है माशाल्लाह। और जलगांव और भुसावल के बीच में है साके गांव, तो वहाँ का हमारा ससुराल है। आपको पता है कि जन्नत नगर है ये हमारे लिए, ससुराल तो हर दामाद के लिए जन्नत नगर होता है। अभी हमारी गाड़ी में पेट्रोल थोड़ा कम लग रहा है, यूसुफ भाई को भी यहाँ पर पेट्रोल पंप पे थोड़ा पेट्रोल डाल देंगे इंशाल्लाह, फिर आगे सफ़र जारी रहेगा। देखो ये हमारी शाइन गाड़ी है, आगे से बता दे तुमको थोड़ा। देखो हमारे यूसुफ भाई भी है, ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त। हाँ अभी पेट्रोल डालेंगे हम। हाँ हमारे सब्सक्राइब को कुछ कहना चाहते हो क्या यूसुफ भाई? आप सिर्फ इतना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, लाइक करे, शेयर करे। हाँ एक्शेदा यानी के 110 रुपया। देखो भाई ने अभी बस शुरू कर दिया हमारी शाइन गाड़ी। हाँ हाँ खत्म, चलो ये देखिए माशाल्लाह हमने गाड़ी में पेट्रोल डाल दिए और आगे का सफ़र हमारा यहाँ से शुरू हो गया, भुसावल की तरफ जा रहे हैं माशाल्लाह। ओहो हो कराते हैं यहाँ के नज़ारों से, आप ज़रा अपनी आँखों को ठंडक पहुँचाइए। और साथ ही साथ यहाँ पर है जो यहाँ कॉर्नर पे उसकी दुकान है, जिसे घासी लाल का वड़ा पाव कहते हैं, जो बहुत पुरानी और बहुत फेमस है यहाँ की, उसका भी आपको थोड़ा हल्का फुल्का नज़ारा बाइक से करा देते हैं इंशाल्लाह। ये देखिए, ये देखिए जूम करके बता देता हूँ मैं आपको, ये है वो यहाँ पर कंटिन्यू, मेरे वो यहाँ पर उसका नाम भी लिखा है, अगर जिसको आना है तो। ये लोकेशन क्या है यहाँ का? हाँ पांडरूम टाकी। अच्छा घासी लाल वड़ा भी बोलेंगे तो भुसावल में कहीं पर भी आ सकते हो, यहाँ पर आप आ सकते हो। ये देखिए ये नाम माशाल्लाह। देखो अभी हम बाज़ार की ओर आए हैं और जैसे मैंने आपको वीडियो में पहले बताया कि जाम मुल्ले की तरफ आपको लेके जा रहे हैं इंशाल्लाह, तो अगला वीडियो आप बने रहे हमारे साथ वीडियो में इंशाल्लाह, आपको जाम मुल्ले का भी नज़ारा कराते हैं और वहाँ की हसीन गलियाँ और जायकेदार खानों से भी रूबरू कराते हैं, तड़कती फड़कती चीज़ों का भी नज़ारा कराते हैं आपको वहाँ पर। देखो माशाल्लाह, हाँ थोड़ा सा बाज़ार का हूँ मैं। देखो माशाल्लाह इधर, देखो माशाल्लाह ये बाजार है भुसावल का, यहाँ पर कपड़ों का शोरूम है और यहाँ पर बहुत सारी दुकानें भी है और ट्रैफिक भी है। आप समझ सकते हैं कि बाजार में किस तरह की ट्रैफिक होती है, क्योंकि भीड़ भाड़ रहती है बाजारों के अंदर।
इसलिए आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। यहाँ माशाल्लाह ये मरकज़ है, जामा मस्जिद मरकज़ भुसावल। ये देखो आप नज़ारा उसका, और ये सब शॉपिंग मरकज़ की ही है, यानी मरकज़ की शॉपिंगों में ये सब दुकानें हैं। चलो ये यहाँ से तुमको ज्वेलरी है ना, ये सब यहाँ पर आपको ज्वेलरी ख़रीदना अगर हो तो आप यहाँ आ सकते हो मरकज़ के सामने वाली गली के अंदर। ये देखो माशाल्लाह सारा नज़ारा देख लो आप। गोल्ड अगर ख़रीदना हो तो यहाँ से आप आकर ले सकते हो, मरकज़ के सामने वाली गली, और बस स्टैंड से भी करीब है और रेलवे स्टेशन से भी करीब है। और बस इंशाल्लाह मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग जानते होंगे कि भुसावल का जाम मोहल्ला, तो वो बहुत एक्साइटेड होंगे देखने के लिए और बहुत ख्वाहिशमंद, और वो सोच रहे होंगे कब जाम मोहल्ला आए और हम कब उसका दीदार करें। बस आप थोड़ा सा सब्र का दामन थामे रखिए, इंशाल्लाह बस हम जाम मोहल्ले की तरफ बढ़ रहे। और अगर वीडियो हमको हमारी पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि बहुत मेहनत से ये वीडियो बनता है, सबको पब्लिक को मद्देनज़र रखते हुए और सबकी आंखें हमारे ऊपर होती हैं, फिर भी हम वीडियो बनाते हैं। ये इसलिए कि आपको हमसे मोहब्बत है, आप हमको सब्सक्राइब करते हैं, देखते हैं। इंशाल्लाह इसी तरह आपको हर नवी वीडियो और इस्लामी जो जगह है, तारीखी जगह है, वहाँ से भी रूबरू कराएँगे इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ। अल्लाह देखो यहाँ पर पूरा कपड़ा मार्केट है, आप यहाँ से स्वेटर वगैरह और स्कूल के बैग वगैरह और लेडी अपने अतर परफ्यूम्स की दुकान है, मोबाइल शॉप है, और हाँ ये देखिए ये बहुत फेमस है गोपी शॉप शॉपिंग मॉल, तो यहाँ से आप अगर कपड़ा ख़रीदना चाहते हैं तो बेहतरीन क्वालिटी के यहाँ पर कपड़े मिलते हैं, तो आप यहाँ पर आकर अपनी अपनी ख़रीदी शॉपिंग कीजिए। देखो माशाल्लाह ये, और आगे बढ़ते हुए हम बस अब उसी रास्ते पर आ गए जिसका हमें काफ़ी देर से इंतज़ार है, यानी कि जाम मोहल्ले की तरफ। तो अब बस सब्र का दामन अपना हटा लीजिए, और जो एक्साइटेड था तुम्हें कब से, अब बस जाम मोहल्ला शुरू होने वाला है। ये देख ले कि सबसे फेमस गली है और ये उसका कॉर्नर है जहाँ से जाम मोहल्ला स्टार्ट होता है। बस यहाँ से देखो अभी सारे खाना वाल आपको नज़र आएंगे, बहुत सारी जायकेदार चीज़ें नज़र आएंगी। ये देखिए धीरे धीरे बस हम जाम मोहल्ले की तरफ बढ़ रहे हैं, जाम मोहल्ला और खरकाड़ो। आइए बढ़िया आगे माशाल्लाह। ये देखिए आपको जिस तरीके से हम पूरा रूबरू कराते हैं हर चीज़ से, ये देखिए ये सब होटले। अगर आप अगर स्टेशन से आप आते हो और खाने के ख्वाहिशमंद हो तो यहाँ के होटलों पे आइए, माशाल्लाह सलाम अलैकुम, यहाँ के होटलों पे आके आप खाना खा सकते हैं माशाल्लाह। ये देखिए और यहाँ पर इंडिया बेकरी है, बेकरी अच्छा माशाल्लाह। ये देखिए यहाँ पर कबाब, टिकिया, समोसा, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। हाँ अच्छा, भुसावल की सबसे स्पेशल चाय वहाँ पर मिलती है, चाय ना। देखिए माशाल्लाह यहाँ पर मांडा वगैरह भी मिलेगा आपको, यानी इतनी रात होने के बाद भी यहाँ पर आपको मांडा अवेलेबल है। देखो माशाल्लाह सब दुकानें हैं इधर, रॉयल ये देखिए भुसावल का जाम मोहल्ला। बस यहाँ से ले लेते टन है ना, ये राजा टावर आपके सामने आ गया, आगे हो बस ये राजा टावर भुसावल का, ये राजा टावर आपके सामने। अच्छा ये देखिए वो फड़कती फड़कती चीज़ें सिर्फ कबाब, माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम भाई,
देखिए जाम मोहल्ले में है माशाल्लाह। हाँ ठीक है, केप और देखो भाई हर एक बार जरूर जरूर। क्या भाई आपका नाम? तौसीफ भाई। और आपका? मोहम्मद फैजल खान। मोहम्मद फैजल खान माशाल्लाह। देखो मोहम्मद फैजल खान और तौसीफ भाई माशाल्लाह हमारे भाई। आपका नाम क्या है? नवाज़ कुरैशी माशाल्लाह। तो देखो इनकी कबाब टिकिया और खीरी वगैरह यहाँ पर सब अवेलेबल है और माशाल्लाह बहुत जायकेदार है। आप कब से खाते हो यहाँ? अच्छा अच्छा अच्छा। और जायका ज़बरदस्त होंगे ना? एक नंबर माशाल्लाह। अच्छा अच्छा अच्छा। देखो भाई माशाल्लाह अगर जिसको खाना है ये खरका रोड है ना, रजा टावर खरका रोड के सामने है हमारे। क्या नाम भाई आपका? नवाज़ कुरैशी भाई माशाल्लाह। तो यहाँ पर आपके आपके लिए कबाब खीरी वगैरह यहाँ पर बेस्ट क्वालिटी की और जायकेदार और मुनासिब दाम के अंदर आपको मिलेंगी इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम माशाल्लाह। देखो हमने भी यहाँ से नवाज़ भाई कुरैशी की यहाँ से सिख कबाब की दो प्लेट लिए। अब इसका जायका देखते हैं इंशाल्लाह। ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं है, एकदम बेहतरीन है, जायकेदार है। हाँ जी माशाल्लाह हमने नाश्ता कर लिए और आपको तो पता है शेर की खुराक क्या होती है, खीरी कबाब वगैरह खाए माशाल्लाह। और यहाँ पर देखो ये फिरदौस होटल, एक मिनट मैं कंफर्टेबल हो जाता आपको बता दो इंशाल्लाह। का रोड रजा टावर और जाम मोहल्ले के पास है माशाल्लाह। ये देखिए ये है फिरदौस होटल, होटल फिरदौस। तो आपको यहाँ पर जितनी भी चिकन की चीज़ें हैं, मछली फ्राई आपको यहाँ पर मिल जाएंगी इंशाल्लाह, बेहतरीन माशाल्लाह। ये देखिए फिरदौस होटल है। तो आप यहाँ पर जायकेदार चीज़ खाने के लिए आए। ये खरका रोड है जो स्टेशन से सीधा आता है, इधर स्टेशन से आता है खरका रोड रजा टावर्स। तो ये इसका लोकेशन है और ये पूरा खरका रोड का नज़ारा है आपको यहाँ पर मिलेगा। इसका स्टॉल वगैरह भी लगेला है, होटल फिरदौस माशाल्लाह। ठीक है देखो माशाल्लाह ये जाम मोहल्ला रजा टावर खरका रोड माशाल्लाह। अब हम बस और रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहे हैं, आपको वो भी नज़ारा कराते हैं। यहाँ भुसावल का जंक्शन है ये ज़बरदस्त गलियाँ जायकेदार। और रमज़ानुल मुबारक में भी यहाँ पर बहुत रश होता है और खाने की ज़बरदस्त, जो खाने के शौकीन लोग हैं वो इस गलियों का बार बार चक्कर लगाते हैं और यहाँ के जायकेदार खानों से लबरेज़ होते हैं माशाल्लाह। यहाँ बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है। आप भीड़ देखिए सामने कितनी है, बाइक वगैरह और लोगों की आमद रफ्त यहाँ शुरू रहती है माशाल्लाह। थोड़ा अभी मैं ये देखिए यहाँ पर ये देखिए टिकिया कबाब माशाल्लाह माशाल्लाह। ये फेम है बहुत ज़बरदस्त, आपको अगर चाय के शौकीन है तो यहाँ पर ज़रूर आए माशाल्लाह। थोड़ा यहाँ पर सारी होटलें देखो माशाल्लाह। यहाँ पर आना ज़रूर खाने के लिए, होटल रॉयल रॉयल रॉयल। ये सारी गलियों के अंदर बहुत रश रहता है। एक मिनट से मुझे कॉल आ रहा है। ये माशाल्लाह ये गली अब ख़त्म हुई, थोड़ा रश कम हुआ क्योंकि जाम मोहल्ले से अब बाहर निकल रहे हम। तो बताइए भाई कैसा ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया? स्टेशन हाँ जी, हाँ अभी बस हम स्टेशन पे जा रहे हैं, उसी का व्लॉग आगे तक बनाएंगे है क्या नहीं। तो आपको जाम मोहल्ले की कौन कौन सी चीज़ें पसंद आई ज़रा कमेंट बॉक्स में बताइए और अपनी राय का इजहार कीजिए। और ये बताइए कि सिख कबाब किस किस को पसंद है
लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कीजिए कि भाई हमको भी पसंद है माशाल्लाह कहकर लिख दीजिए। ये देखिए सामने बस अब आने वाला है रेलवे स्टेशन, बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है। ओ भाई थोड़ा थोड़ा रुक के देखो, बहुत ज़बरदस्त बचे हम, क्या कर सकते, बहुत भीड़ है। थोड़ा हमको कड़वी निगाह से देख रहा था बस वाला, लेकिन क्या करे, गलती किसकी नहीं है, सिचुएशन ऐसी यहाँ पर क्योंकि बहुत ही भीड़ है। तो उसके लिए हमारे यूसुफ भाई को बहुत दिक्कत हो रही है, इसलिए हमारे यूसुफ भाई के लिए भी आप कमेंट बॉक्स में लाइक ज़रूर कीजिए कि वो बड़ी मेहनत से बाइक चला रहे। क्या बोलते यूसुफ भाई, ये नज़र बता दो। हाँ हाँ, ये थोड़ा प्यारी प्यारी झरनों का, ये देखिए माशाल्लाह। और मेरी मेरे देश की आन बान शान, जिससे हमारा दिल और हमारी जान और हमारा खून के अंदर कतरा कतरा जिसका बसा हुआ है, वो तिरंगा लहरा रहा है माशाल्लाह, वो तिरंगा लहरा रहा है। ये भुसावल का स्टेशन हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर, ठीक है इंशाल्लाह। और इसी के साथ सब भाई को और हाफिज़ मतीन को अलविदा कहिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए और जो वीडियो में कुछ बातें आपको ना पसंद हो तो हमको ज़रा बताएं ताकि हमारी तरबियत हो जाए और आइंदा इंशाल्लाह आपको अच्छा व्लॉग बना कर दें। देखो माशाल्लाह हमारा भुसावल का स्टेशन है, ये सब जानते हैं कि भुसावल का स्टेशन कितना फेमस है, कितना मशहूर और मारूफ है। तो मैं ये कहूँगा सारे मुसाफिरों के लिए कि अपने सामान की हिफाज़त करें, क्योंकि सफ़र जो है आग का टुकड़ा होता है, हदीस पाक में जिसका मफहूम है कि सफ़र जो है आग की टुकड़े की तरह होता है। तो हम अपने ईमान की, जान की, माल की खूब हिफाजत करें, जब रास्ते में जा रहे हों, सफ़र में जा रहे हो, तो अपने ईमान आमाल की और माल की हिफाजत करें, अपने माल की भी और जान की भी और ईमान की भी। माशाल्लाह देखो, और कुछ बातें जो हैं इस स्टेशन के बारे में हमारे यूसुफ भाई जो हमारे साले साहब है वो कुछ बातें आपको बताएंगे, ज़रा जहन नशीन कीजिए आप। जी बिल्कुल, ये जो प्लेटफॉर्म है और ये भुसावल स्टेशन है काफ़ी फेमस है, बिकॉज ये जो जंक्शन है यहाँ पे यूपी साइड जाने वाली सारी ट्रेनें यहाँ यहीं से गुजरती, जो मुंबई से होकर आती है और यहाँ से हर रूट पे जाने वाली ट्रेन आपको मिल जाएगी। थोड़ा बहुत ही किफ़ायती स्टेशन है और हम गर्व से बोल सकते हैं कि हम यहाँ के रहवासी हैं और हैप्पी मोमेंट होता है हम लोग के लिए कि इतने सारे लोग यहाँ से ट्रैवल करते हैं और सारी रूट पे जाने वाली ट्रेन यहाँ पे आपको मिल जाएगी। बस यही कहना था, थैंक यू। अल्लाह, ये हमारे मामू जान हैं और इन्हीं के लिए हम लेने के लिए साके गांव से भुसावल की तरफ आए थे माशाल्लाह, और इन्हीं का इंतज़ार था। देखिए माशाल्लाह ये भुसावल स्टेशन और हमारे मामू जान यहाँ पर आ गए। मामू कुछ तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, फर्स्ट क्लास में आराम से बैठ गए माशाल्लाह। चलो आप घर पर चलते हैं इंशाल्लाह।